हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 मैट्रिसेस से एक टॉपिक इन्वर्टिबल मैट्रिसेस और इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। डेफिनेशन क्या कहता है पहले उसको चेक करेंगे। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, ठीक है, एक मैट्रिक्स लिए ए, उसका ऑर्डर क्या है, एम है। एंड इफ देयर अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी, एक और मैट्रिक्स लिए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर सेम है एम। तो दोनों ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई किए यानी कि ए बी किए तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स निकालने के लिए हमको ये चेक करना होता है द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई आ गया तब हम उसको कंक्लूज करके बोल सकते हैं कि बी इज called the inverse matrix of A and it is denoted by A inverse, ठीक है। एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कैसे इसको लिया गया है। सबसे पहले एक मैट्रिक्स ले लिए A मैट्रिक्स लिए 2 3 1 2, उसी तरह एक और मैट्रिक्स लिए B 2 -3 -1 2। अब इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए को बी के साथ यानी कि ए बी निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स ए और बी को यानी कि ए बी। तो ए बी को मल्टीप्लाई करने का सेम वही तरीका है, सबसे पहले रो लेंगे 2 × 3 और उसके बाद ये कॉलम लेंगे 2 × -1। ये दोनों को एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से, 3 को -1 से और दोनों के बीच में ऐड रहेगा यानी हम लिखेंगे इसको 2 × 2 + 3 × -1। तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, 4 - 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ 4 - 3 है, इसको जब ओवरऑल कर लिए इसको परफॉर्म करने के बाद क्या करना है, सेकेंड कॉलम को लेंगे, तो इसमें क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। इसको ऐसे लिखेंगे 2 × -3 + 3 × 2। तो अब इसका जो आएगा -6 + 6, देखिए वही आया -6 + 6। इसके बाद सेकेंड रो को लेंगे और फिर से वापस से फर्स्ट कॉलम को लेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को, फिर ये रिजल्ट आएगा मेरा 2 × -2। उसके बाद सेकेंड कॉलम को लेंगे, इसके साथ रिजल्ट आएगा -3 + 4। तो इसको जब एग्जीक्यूट करने के बाद मेरा पास ओवरऑल वैल्यू जो आएगा वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको मिल गया। उसी तरह सेम बी ए को मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमको क्या मिला, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिला। तो देखिए बी ए को भी मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं, आप बी ए को मल्टीप्लाई करने से कैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। यहाँ पे ले लेते हैं दो मैट्रिक्स बी और ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए। बी क्या है, 2 - 3 - 1 2, ए क्या है 2 3 1 2। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि इस वाले रो को इस वाले कॉलम के साथ, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा 2 × 2 2 2 = 4,
प्लस माइनस थ्री इंटू वन, ठीक है। और इसके बाद फिर सेकंड कॉलम के साथ अगर करते हैं, थ्री टू जै सिक्स माइनस सिक्स माइनस सिक्स। इसी तरह आप सेकंड रो को करते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये आ जाएगा माइनस टू माइनस टू प्लस टू। इसी तरह आप सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस थ्री प्लस फोर, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये क्या आ जाएगा, फोर माइनस थ्री इक्वल टू वन, देखिए यहाँ वन आ गया। सिक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ जीरो आ गया। माइनस टू प्लस टू जीरो, जीरो आ गया। माइनस थ्री प्लस फोर इक्वल टू वन, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको मिल गया, ठीक है। अब इतना कुछ होने के बाद कंक्लूजन क्या मिला हमको कि ए बी है वो बी ए के बराबर है, ए बी जो है वो बी ए के बराबर है, और ये दोनों का रिजल्ट जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट था इसको फुलफिल कर दिया, ये जो स्टेटमेंट था ए बी इजक्ल टू बी ए इजक्ल टू आई। तो अब हम इसको बोल सकते हैं, इतना कुछ परफॉर्म होने के बाद अब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि बी इज द इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। और इसको ऐसे लिख भी सकते हैं ए इजक्ल टू, सॉरी बी इजक्ल टू ए इनवर्स। और सेम उसी तरह अपोजिट भी लिख सकते हैं इसका, ए इज द इनवर्स ऑफ बी, और इसको ऐसे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी इनवर्स। डिनोट ऐसे ही करते हैं टू द पावर माइनस वन लिख के। ये कंक्लूजन हो गया आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद आगे देखेंगे नोट में क्या लिखा हुआ है, नोट में लिखा हुआ है कि ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पोजेस इनवर्स मैट्रिक्स। मतलब कि अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा कुछ अगर मैट्रिक्स लेते हैं तो वो इनवर्स मैट्रिक्स पोजेस नहीं करता है। सिंस फॉर प्रोडक्ट बी ए एंड ए बी टू बी डिफाइंड एंड टू बी इक्वल, इट इज नेसेसरी दैट मैट्रिक्स ए एंड बी शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि यहाँ सिंपल भाषा में बता दिया गया है कि हमेशा हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं, बाकी और किसी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हम लोग इनवर्स नहीं निकाल सकते। वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, सेम ऑर्डर का होना चाहिए। ये सिंपल भाषा में पहला स्टेटमेंट बता रहा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बता रहा है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इफ बी इज द इनवर्स ऑफ ए देन ए इज आल्सो द इनवर्स ऑफ बी। अगर बी ए का इनवर्स होगा तो ए भी बी का इनवर्स होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थ्योरम थ्री क्या कहता है। थ्योरम थ्री हम लोग को बताता है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं, अगर वो एग्जिस्ट करता है, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट, तो वो हमेशा हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा, ठीक है। मतलब ऐसे एग्जांपल में समझे कि अगर वो इस स्टेटमेंट को फुलफिल करता है ए बी ए इंटू बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, तो इसके जरिए हम ये समझ सकते हैं ना कि जो बी है, बी का कोई मैट्रिक्स होगा। मान लीजिए वो मैट्रिक्स मेरा वन टू थ्री फोर है, वन टू थ्री फोर है, तो ये ए का अगर इनवर्स है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं अगर ये ए इनवर्स है तो ए इनवर्स अब हमेशा हमेशा यही एज ए आंसर ए इनवर्स यही मैट्रिक्स मिलेगा, इसके अलावा और कोई मैट्रिक्स नहीं मिलेगा। यही बोलता है यूनिकनेस ऑफ मैट्रिक्स। इसको प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम वन टू थ्री फोर नहीं लेके इसको क्या ले लेते हैं, इसको ले लिए एक दूसरा मैट्रिक्स एम एन ओ पी, नाम दे दिए कुछ भी एम एन ओ पी, ठीक है। तो एम एन ओ पी नाम दे दिए, तो अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको दे दिए सी इज इक्वल टू एम एन ओ पी, जो मैट्रिक्स सी है इज इक्वल टू एम एन ओ पी। तो इसको इन्वर्टिबल होने के लिए हम ये सेम कंडीशन अप्लाई होना पड़ेगा सी के साथ भी, तो सी के साथ भी सेम कंडीशन अप्लाई होने के साथ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आई, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आई लिख दिए इसके अकॉर्डिंगली, सेकेंड मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, जो कि जिसको हम लोग मान लिए कि वो ए इनवर्स वन टू थ्री फोर के अलावा कोई और मैट्रिक्स होगा। तो अब
यहाँ पे देखेंगे बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, बी आई लिख सकते हैं। ये पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा वो सेम मैट्रिक्स ही देता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लीकेशन करने का। किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तो वो सेम वैल्यू देता है, यानी कि सेम मैट्रिक्स एज ए रिजल्ट देता है। तो उसी तरह यहाँ पे भी उसको लिख सकते हैं, बी को क्या लिख सकते हैं, बी आई लिख सकते हैं। और आई को हम अपने अपना जो एज्यूम्ड कंक्लूजन किए हुए हैं एसी, तो आई को हम लोग एसी लिख सकते हैं। आई को एसी लिख दिए, अब ये आपका एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंगली हम क्या लिख सकते हैं, बी ए इक्वल टू बी ए इंटू सी। ठीक है, बी इंटू ए सी इज इक्वल टू बी ए इंटू सी, ये लिख दिए। अब बी ए क्या है, बी ए जनरल कंक्लूजन के अकॉर्डिंगली बी ए क्या है, आई के बराबर है, तो बी ए को लिख दिए आई के बराबर। तो टोटल हो गया आई इंटू सी, और हम ये जानते हैं आई इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू कोई भी मैट्रिक्स है वो सेम एज इट इज अपना ही मैट्रिक्स का वैल्यू देता है। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं आई इंटू सी इज इक्वल टू सी। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सारा कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ चल रहा है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स पे हमेशा ये चीज फॉलो होता है। तो हम ओवरऑल कंक्लूड क्या किए, ओवरऑल कंक्लूड कर दिए कि हम जो बी लिए थे, जो बी लिए थे वो सी के बराबर हो गया, यानी कि जो हम सी एज्यूम किए थे एम एन ओ पी वो किसके बराबर हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, यानी कि कोई अगर इनवर्स आता है, ए का कोई इनवर्स आता है तो वो हमेशा हर हमेशा यूनिक होगा, यानी कि यही सेम मैट्रिक्स मिलेगा आपको हर बार, यही इस थ्योरम का कहना है। ठीक है, इस थ्योरम को समझ लिए, अब आगे बढ़ते हैं। थ्योरम फोर क्या कहता है, थ्योरम फोर कहता है कि इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी होल का इनवर्स इज इक्वल टू बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। ठीक है, इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। इसका प्रूफ क्या है, सेम है, इफ ए बी इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू 1, ए बी इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं ए इनवर्स के साथ, यहाँ पे भी ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे भी ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स आई। अब इसके बाद ये एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंगली हम इसको ए आई इंटू ए इक्वल टू बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू ए आई लिख सकते हैं, क्योंकि आई के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद कोई भी मैट्रिक्स क्या होता है, अपना ही रिजल्ट देता है। तो इसको इसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, ए आई इंटू ए, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया। अब बी एज इट इज रह गया, ए बी इनवर्स ए बी एज इट इज रह गया। अब इसमें से हम लोग आई बी को बी लिख दिए, क्योंकि सेम वही फंडा कि आई बी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कोई मैट्रिक्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका सेम वैल्यू देता है। यहाँ तक कर दिए, यहाँ तक करने के बाद वापस से हमको दोनों साइड में बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी और यहाँ भी। बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद ये पूरा का पूरा आई बन गया, और ये बी इनवर्स ए इनवर्स में एज इट इज रह गया, और आई इंटू ए बी इनवर्स ए बी इनवर्स हो गया। तो हम प्रूफ कर दिए क्या, कि ए बी इनवर्स जो होगा, ए बी का होल इनवर्स जो होगा वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब किसी भी मैट्रिक्स ए का अगर हम लोग इनवर्स निकालना है तो हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके कैसे उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो पहले एक स्टेटमेंट को समझेंगे क्या है, लेट एक्स ए एंड बी बी मैट्रिसेस। तीन मैट्रिक्स ले लिए, एक्स नाम का, ए नाम का और बी नाम का, ऑफ सेम ऑर्डर, तीनों सेम ऑर्डर का होगा। अब सच दैट एक्स इज इक्वल टू ए इंटू बी, यानी कि जो पहला मैट्रिक्स लिए है वो दूसरे और तीसरे का मल्टीप्लीकेशन है, यानी ए बी का मल्टीप्लीकेशन है। इन ऑर्डर टू अप्लाई ए सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, अगर हमको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करना है, ठीक है, मैट्रिसेस इक्वेशन में एक्स इक्वल टू ए बी में, तो हमको रो ऑपरेशन साइमल्टेनियसली कैसे करना होगा,
on x and on the first matrix of A. यानी कि अगर हम यहाँ पे इस मैट्रिक्स पे कोई रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो हमको सिर्फ ए में रो ऑपरेशन करना होगा, पी को छोड़ के ए में करना होगा ऑन आरएचएस, ठीक है? आरएचएस ये आरएचएस में ए भी है, तो ए भी के ए में सिर्फ हमको ऑपरेशन साइमल्टेनियस ऑपरेशन करना होगा जो कि हम लोग एक्स में किए थे. उसी तरह सेम हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग कॉलम ऑपरेशन करेंगे, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन करेंगे ऑन द मैट्रिक्स इक्वेशन x इक्वल टू ए बी, तो उसमें क्या ध्यान में रखेंगे कि ऑपरेशन साइमल्टेनियसली ऑन x में अगर जो कर रहे हैं तो वही ऑपरेशन को हम लोगों को किस में करना होगा, ऑन द सेकंड मैट्रिक्स, ऑन द सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ द प्रोडक्ट ए बी इक्वल टू आर एच एस. यानी कि अगर हम x में कर रहे हैं तो अब हमको b में करना होगा, कब? सॉरी, जब एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है? इसके बाद एक चीज और ध्यान में रखना होगा कि जब हम लोग x इक्वल टू ए बी कंसिडर किए हैं तो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के साथ हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इसमें पोजीशन होना चाहिए, तो उसका पोजीशन क्या हो जाएगा, जब रो के साथ कर रहे हैं ए इक्वल टू आई ए, ए इक्वल टू आई ए, ये होगा, क्योंकि हमको जब एलिमेंट्री ऑपरेशन कर रहे हैं रो के साथ तो इसमें ऑपरेशन करेंगे एलएचएस में और आरएचएस में फर्स्ट मैट्रिक्स जो कि आई मैट्रिक्स होगा, तभी जाके हमको कंक्लूजन में हमको इनवर्स निकालने के लिए हेल्प मिलेगा, ठीक है? तो जिस तरह एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में ए इक्वल टू आई ए लेते हैं, उसी तरह एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन में ए इक्वल टू ए आई लेते हैं. एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन में देखिए, कॉलम ऑपरेशन में ए इक्वल टू आई ए लेते हैं ताकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग किसी लेवल तक पहुंचा सके और ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स तक पहुंचा सके, ठीक है? इसको समझाते हैं अच्छे से कि क्या ये है, क्या कैसे समझाया जाए, कैसे इसको देख सकते हैं. सपोज दैट कि कोई एक्स मैट्रिक्स है ए बी के बराबर, ठीक है, ए बी के बराबर, तो हम जब ले रहे हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ले रहे हैं तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लेने का प्रिंसिपल क्या है कि जब एलएचएस में इस मैट्रिक्स में अगर कोई हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं तो साइमल्टेनियसली हम लोग को फर्स्ट मैट्रिक्स में भी वही सेम ऑपरेशन करना होगा. किस में करना होगा? फर्स्ट मैट्रिक्स में, ठीक है? अब हमारा टारगेट क्या है? टारगेट है टू फाइंड इनवर्स, टू फाइंड इनवर्स, ये हमको टारगेट है. मतलब कि अगर ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं आई इंटू ए लिख सकते हैं. अब इसके अकॉर्डिंगली अगर इसमें कोई चेंजेस करते करते हम उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देंगे तो इसके फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में भी कुछ चेंजेस होगा और हमको चेंज मिलेगा कोई एक नए मैट्रिक्स के रूप में जो कि उसको बी मान सकते हैं और ए तो एज इट इज रह जाएगा. तो हम बोल सकते हैं ना कि आई इक्वल टू बी ए. अब आई इक्वल टू बी ए बोलने के बाद अगर बाई मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई ए इनवर्स, और यहाँ भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, और ये हो जाएगा बी इंटू A इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई. ए इंटू ए इनवर्स किसके बराबर होगा? आई के बराबर होगा. क्यों? क्योंकि A अगर किसका मैट्रिक्स उसका इनवर्स अगर होता था B, तो A भी इक्वल टू आई के बराबर होता था, इज इक्वल टू बी ए के बराबर होता था.
तो यहाँ पे हम लोग देख लिए ए इनवर्स इज इक्वल टू बी इंटू आई इज इक्वल टू बी के बराबर होगा। तो ये कंक्लूड कर दिए कि हमको ए इनवर्स निकल गया जो कि बी के फॉर्म में मिल गया, यानी कि जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो भी हम लोग ऑपरेशन करेंगे रो के अकॉर्डिंगली, रो ऑपरेशन करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा हमको यहाँ पे वही बी होगा ए का इनवर्स। ठीक, तो इसी स्टेटमेंट को यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है कि जब भी हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करेंगे तो ए इंटू आई ए लेंगे। अब इसी तरह कॉलम का भी देख लेते हैं, रो का तो देख लिए ए इंटू आई ए लेके एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, अब उसी तरह एलिमेंट्री कॉलम का देख लेते हैं। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। अब ये तो सब समय सेम ही रहेगा x इक्वल टू ए बी, जिसमें कि अगर इसमें अगर हम कर रहे हैं कॉलम के अकॉर्डिंगली, इधर साइड रो का है इधर का कॉलम का है, कॉलम के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं तो फर्स्ट वाले में अगर कुछ चेंजेस का ऑपरेशन कर रहे हैं कॉलम ऑपरेशन, तो अब सेकंड वाले में करेंगे, किसमें करेंगे सेकंड मैट्रिक्स में, सेकंड मैट्रिक्स में। ठीक है, टारगेट हमारा अभी भी वही है, टारगेट क्या है टू फाइंड इनवर्स। तो फाइंड इनवर्स करने के लिए हमको सेकंड वाले को में चेंजेस लाना होगा, तो चेंजेस लाने का मतलब क्या है कि अब हमको एनी हाउ आई को सेकंड पोजीशन में रखना होगा, क्योंकि एक्स में जो भी हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं तो वही ऑपरेशन साइमल्टेनियसली बी में होगा। तो बी का मतलब पोजीशन इसमें होगा, अगर ए में कोई हम लोग चेंजेस ला रहे हैं, ए को चेंज कर दे रहे हैं किसी तरह एनी हाउ आई बना दे रहे हैं चेंजेस ला के कॉलम ऑपरेशन करके हम लोग उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दे रहे हैं, तो अब इसके बाद ए तो एज इट इज रह जाएगा और आई जो है वो चेंज होके एक नया मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा जो कि लोग डिनोट करते हैं बी से। ठीक है, तो यहीं पे चेंजेस कॉलम का जो ये प्रिंसिपल है इसको फॉलो करवाने के लिए हम लोग लिखते हैं ए इक्वल टू ए आई, जो कि हम लोग पहले रो में लिखते थे ए इक्वल टू आई ए। इस प्रिंसिपल को, ये जो बेसिक प्रिंसिपल है, इसको फॉलो करवाने के लिए दोनों के साथ, ठीक है, एलिमेंट्री वाले के साथ रो वाले के साथ रो का और कॉलम वाले के साथ कॉलम का। तो अब यहाँ पे देखिए आई इक्वल टू ए बी तो हो गया, ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में फॉर्म कर दिए, आई को किसी दूसरे मैट्रिक्स बी में फॉर्म कर दिए। तो इसके बाद और क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे ए इनवर्स से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स। तो अब जो मेरे पास आएगा वो क्या आएगा, ए इनवर्स आई इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इंटू बी। अब ए इनवर्स ए किसके बराबर होगा, आई के बराबर, और ए इनवर्स आई किसके बराबर होगा, ए इनवर्स के बराबर, और ये हो जाएगा आई बी, और आई बी क्या होगा, बी के बराबर। तो ए इनवर्स इक्वल टू बी हमको मिल गया। तो ये दो तरीका है, दोनों एक ही तरीका है लेकिन अलग अलग ऑपरेशन है, एक कॉलम ऑपरेशन है और रो ऑपरेशन है। आंसर सेम ही आएगा, तरीका सेम ही है, पर बस डिफरेंस क्या है कि एक को हम लोग रो में चेंजेस लाके कर रहे हैं, दूसरे को कॉलम में चेंजेस लाके कर रहे हैं। ठीक है, तो यही बेसिक्स है इनवर्स निकालने का बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो एक एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। अब ए गिवन है हमको 1 2 2 माइनस 1, ये मैट्रिक्स गिवन है 1 2 2 माइनस 1। इन ऑर्डर टू यूज एलिमेंट्री ऑपरेशन In order to use elementary row operation, we write a is equal to i a. ठीक है, a is equal to i a लेंगे, क्यों, क्योंकि हमको row operation करना है। row operation करने में हम लोग क्या याद रखे थे, x is equal to a b के form में, अगर x इसमें कोई अगर ला रहे हैं changes ला रहे हैं तो simultaneously first matrix में हमारा change होगा, first matrix में changes होगा। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में हमको आई रखना होगा, तभी हम आई में चेंजेस ला ला के बी तक पहुंचेंगे। ठीक है,
तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। अब देखिए मेरे पास जो ए है वो ये है, ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये ए, इसको ऐसे लिखेंगे ए इज इक्वल टू आई ए एज इट इज रहेगा। अब इसमें ए में चेंजेस लाए, अगर इसमें ए में चेंजेस लाए, क्या चेंजेस लाए, अप्लाई किए आर टू इजकल टू आर टू माइनस टू आर वन, आर टू इजकल टू आर टू माइनस टू आर वन, यानी कि आर टू अगर टू है, पहला एलिमेंट टू है, तो टू को चेंज करेंगे किससे, टू माइनस टू इंटू आर वन, और आर वन क्या वन, टू इंटू वन, तो टू माइनस टू इंटू वन ये हो जाएगा जीरो, तो पहला जो एलिमेंट है टू चेंज होके हो जाएगा जीरो, यहाँ हो गया जीरो। उसी तरह सेकेंड एलिमेंट होगा आर टू का माइनस वन, तो माइनस वन, माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन चेंज होके क्या हो जाएगा, माइनस वन माइनस टू इंटू टू, तो ये हो जाएगा माइनस वन माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस फाइव, यहाँ देखिए ये हो गया माइनस फाइव। और आर वन में कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि आर वन के बारे में हमको कोई जिक्र नहीं किया है, तो आर वन में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला ऑपरेशन, इसमें जीरो। अब हमको करना क्या है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसको किसी तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करने के लिए क्या करना होगा कि जितना भी वैल्यू है, ये टू जीरो, टू को जीरो कर देंगे, माइनस वन को किसी तरह वन कर देंगे, फिर टू को किसी तरह जीरो कर देंगे, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा। तो पहला जब हम ये किए जीरो, पहला को जो जीरो हम कर दिया, अब माइनस फाइव को किसी तरह हमको वन करना है, तो माइनस फाइव को वन करने के लिए हम लोग आर टू में माइनस वन बाई फाइव से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा। तो सेकंड में वही किया हुआ है, आर टू को डिवाइड कर दिया गया है माइनस वन बाई फाइव से, माइनस वन फाइव से डिवाइड किए तो जो माइनस फाइव था वो वन हो गया, और जिस तरह उसमें किए हैं उसी तरह सेम आर एच एस में भी करेंगे, आर एच एस में भी किए तो इसमें इसमें चेंजेस हुआ, इसमें चेंजेस हुआ, देखिए माइनस टू और वन में चेंजेस हो गया। उसी तरह सेम जब यहाँ पे माइनस फाइव से डिवाइड किए तो इसमें भी चेंजेस होगा, इसमें भी चेंजेस हुआ। उसके बाद ये एक टू बच गया, तो टू को भी क्या करेंगे, आर वन माइनस आर टू से किए तो जीरो आ गया, तो इसके कारण इसमें भी चेंजेस हुआ और इसमें भी चेंजेस हुआ। तो ठीक है, अब इतना कुछ चेंजेस होने के बाद हमको ये इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या मिला आई, और इधर एक नया मैट्रिक्स मिल गया जो कि जिसको बोलेंगे बी, और ए तो पहले से था ही, तो अब इस फॉर्म में आ गया इक्वल टू आई इक्वल टू बी इनटू ए। हम जानते थे, अब आगे भी ये चीज प्रूव कर चुके हैं कैसे इसको करते थे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो ए इनवर्स आई इक्वल टू बी ए इनटू ए इनवर्स, और ए इनवर्स आई किसके बराबर हो जाता था, ए इनवर्स के बराबर, और यहाँ पे ए इनवर्स इनटू ए ये हो जाता था आई के बराबर, तो यहाँ बी आई हो गया, और बी आई इज इक्वल टू बी के बराबर, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, ये आपका आंसर आ गया। और बी क्या था, बी यही वाला पार्ट था, बी ये था, इसी को यहाँ लिख दिए, यही है बी, और वही हमारा क्या निकल गया, ए इनवर्स, सिंपल। अब इसका अल्टरनेटिव क्या है, अल्टरनेटिव यह है कि जिस तरह हम लोग हर बार रो का ऑपरेशन किए हैं, आर वन आर टू का ऑपरेशन किए, रो का ऑपरेशन किए, तो रो का ऑपरेशन नहीं करके हम लोग कॉलम का ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। तो कॉलम का ऑपरेशन करने में ध्यान क्या रखेंगे, ध्यान ये रखेंगे कि x इक्वल टू ए पी जो होता था उसमें, इसमें चेंजेस लाने के साथ साथ सेकेंड मैट्रिक्स में चेंज आएगा, सेकेंड मैट्रिक्स में चेंज आएगा, तो सेकेंड मैट्रिक्स में चेंज आएगा, इसका मतलब हम लोग ए इक्वल टू ए आई लेंगे, क्योंकि मेरा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको चेंज करना है, इसको चेंज करने के साथ साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को चेंज करना है, इसीलिए हम लोग जो सीक्वेंस लेते हैं ए इजकल टू ए आई का सीक्वेंस लेते हैं, जो कि पहले रो में कैसे क्या था, रो में था ए इजकल टू आई ए था, अब वो चेंज होके क्या हो गया, ए इजकल टू ए आई कॉलम में, जब एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन करेंगे तब। तो सिंपल वही है, सेम, अब उसके बाद सारा कुछ सेम वही है, ए इनवर्स इजकल टू हमको बी के फॉर्म में मिल गया, ठीक है। चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।